नमस्कार, मैं दीक्षा सिंह और बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है। मकर संक्रांति का नाम सुनते ही आसमान में रंग बिरंगे उड़ते हुए पतंगों का दृश्य दिमाग में उकेर जाता है। सभी अपने घर की छतों पर पतंग उड़ाने के साथ तिल के व्यंजनों का मजा लेते हुए दिखाई देते हैं। पतंगबाजी की धूम चारों तरफ आराम से देखी जा सकती है, लेकिन इस पतंगबाजी के चलते कई हादसे भी हो जाते हैं जिनके बारे में सोचकर ही पतंग उड़ानी चाहिए। इसलिए आज हम आपको कुछ बातें बताने जा रहे हैं। अगर आप पतंग उड़ाते समय इन बातों का ध्यान रखते हैं तो ये आपको और दूसरों के लिए भी हितकारी रहेगा। तो चलिए आपको बताते हैं वो बातें। गिरने का रहता है डर। पतंगबाजी करते समय उचित स्थान पर जाकर पतंग उड़ाएं। किसी भी बिना मुंडेर की छत से पतंग ना उड़ाएं, क्योंकि पूरा ध्यान पतंग पर रहने के कारण छत से गिरने की संभावना हो सकती है। पतंग उड़ाते समय विशेष ध्यान रखें, क्योंकि कई बार धागे में कांच के टुकड़े भी मौजूद होते हैं। चाइनीज डोर से बनाए दूरी। पतंग खरीदते वक्त ध्यान रखें कि चीन वाली डोर की बजाय सामान्य मांझा खरीद कर लाएं, जिससे आप तो सेफ रहेंगे ही पशु पक्षी भी सुरक्षित रहेंगे। अगर गलती से चाइना वाली डोर घर में आ भी गई है तो उससे बच्चों को दूर ही रखें, क्योंकि ये आपके लिए खतरनाक हो सकती है। पतंग उड़ाने वाली डोर में नायनॉल का यूज होता है, जिस पर कांच का बुरादा चढ़ा होने के कारण यह लोगों और आसमान में उड़ने वाले पक्षियों के लिए खतरनाक हो सकता है। मकर संक्रांति पर हजारों पक्षी तेज बांझों में कटकर घायल हो जाते हैं। बिजली के खंभों से रहें दूर। पतंग कभी भी पावर लाइन या बड़े बिजली के खंभों के पास न उड़ाएं, क्योंकि अगर मांझा गीला है तो ये पावर लाइन के संपर्क में आ सकता है, ये जानलेवा हो सकता है। आंखों का रखे ध्यान। पतंग उड़ाते समय आंखों का विशेष ख्याल करें। दरअसल पतंग उड़ाते समय सूर्य की सीधी रोशनी आंखों पर पड़ती है, जो आंखों के लिए नुकसानदायक है। सनबर्न और डाइट से संबंधित परेशानी होना आम है। मकर संक्रांति के पर्व को बेहद पुण्य पर्व माना जाता है। कहा जाता है कि इस पर्व से ही शुभ कार्यों की शुरुआत होती है, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन से ही सूर्य उत्तर की ओर गमन करने लगता है। ऐसे में शुभता की शुरुआत का जश्न मनाने के लिए पतंग का सहारा लिया जाता है। घर में शुभता के आगमन की खुशी में मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने की प्रथा है। बता दें कि मकर संक्रांति के पर्व पर पतंग उड़ाना सेहत के लिए विशेष रूप से लाभदायी माना गया है। हालांकि पतंग उड़ाने के पीछे कोई धार्मिक पक्ष नहीं है, लेकिन फिर भी सेहत को देखते हुए इस दिन पतंग उड़ाना अच्छा माना जाता है। अमूमन सर्दी के मौसम में लोग अपने घरों में कंबल में रहना पसंद करते हैं, लेकिन उत्तरायण के दिन अगर कुछ देर धूप के संपर्क में रहा जाए तो इससे शरीर के कई रोग स्वतः नष्ट हो जाते हैं। वैज्ञानिक तथ्यों के अनुसार उत्तरायण में सूर्य की गर्मी शीत के प्रकोप व शीत के कारण होने वाले रोगों को समाप्त करने की क्षमता रखती है। ऐसे में घर की छतों पर जब लोग पतंग उड़ाते हैं तो सूरज की किरणें एक औषधि की तरह काम करती हैं। शायद इसलिए मकर संक्रांति के दिन को पतंग उड़ाने का दिन भी कहा जाता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की अन्य जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।